हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी, जिसको हमने साबूदाना से बना के रेडी किए हैं। यकीन मानिए, इतने टेस्टी हैं कि इसके सामने आपको मोतीचूर के लड्डू भी फीके लगेंगे। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस लड्डू को आप फास्ट में, व्रत में भी खा सकते हो। तो चलिए इसको बनाना फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम साबूदाने के लड्डू बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कप साबूदाना लेंगे। ये मीडियम साबूदाना, साबूदाना दो तीन तरह के होते हैं, तो लेकिन ये मीडियम साइज़ की साबूदाना लिया है मैंने, और इसको हम अच्छे से बना पाएंगे। तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी नई नई रेसिपी आपके लिए ला सकूं। बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आती हूँ मैं। तो ये देखिए, एक पैन लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें साबूदाना डाल देंगे, एक कप जो हमने साबूदाना लिया था। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये लड्डू बनाना बताऊँगी। आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ गैस को मैंने मीडियम लो फ्लेम पे रख दिया है, और अभी हम इसको लगातार टाइम देके हमें 10-15 मिनट अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना। फ्रेंड्स, यहाँ बस रोस्ट करते ही इसमें टाइम लगता है, और ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। तो इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, और इसको आप फास्ट में या ऐसे भी आपका मीठा खाने का मन करे तो झटपट तरीके से बना के आप लड्डू बच्चों को खुद भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए 15 मिनट मुझे हो गए हैं, और साबूदाना का कलर भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, और ये अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। अगर हम फुल फ्लेम कर देते हैं तो ये साबूदाना अच्छे से जल जाते, और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, और अच्छे से रोस्ट भी नहीं हो पाते। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे गैस को रख के और अच्छे से रोस्ट कर लिया। अभी हम इसको अलग बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं बाउल में निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें ठंडा होने के लिए इसको छोड़ना है। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसको ग्राइंड करना है, पहले हमें नहीं ग्राइंड करना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसको थोड़ा हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आप फैन के नीचे भी छोड़ सकते हो, जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट में थोड़ा नॉर्मल ठंडे हो गए हैं, हम हाथ लगा सकते हैं। अभी हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और एकदम स्मूथ सा हमें इसका पाउडर बनाना है। अगर आपका स्मूथ सा पाउडर नहीं बन पा रहा तो आप इसको छान के भी यूज़ ले सकते हो। तो लेकिन ये देखिए एकदम स्मूथ सा मैंने पाउडर बना लिया, इसको थोड़ा ज़्यादा मैंने चला लिया है, एकदम ये पाउडर के रूप में हो गया है। अगर आपका दरदरा है तो थोड़ा छान लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो ये मैंने फिर से पैन ले लिया है, इसमें हम 2 चम्मच छोटे घी के डालेंगे, देसी घी का। अगर आपका घी मेल्ट है तो आप 3 चम्मच डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ये जमा हुआ घी है, तो मैं यहाँ 2 चम्मच देसी घी के लिए हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप बनाओ तो देसी घी के ही लड्डू बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और देखिए घी नॉर्मल गर्म हुआ है, तो इसमें हम 1/2 कप ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, साथ में मैं ये कटी हुई बादाम डाल दूँगी, 2 छोटे चम्मच के करीब है ये। आप कितने भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और आप अगर ड्राई फ्रूट डाल सकते हो नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने नारियल का बुरादा डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही दानेदार हमारे लड्डू बनके रेडी होंगे। तो ये देखिए नारियल ने पूरा घी को सोख लिया, लेकिन हम घी और हमें नहीं डालना, इसी घी से हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, ज़्यादा हमें इनको रोस्ट नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है। साथ में अभी हम इसमें जो साबूदाना का पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई आपको चाशनी बनाने का, बिना चाशनी बनाए हम ये लड्डू बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बहुत ही झटपट तरीके से लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, घी में अच्छे से सिक चुका है ये साबूदाना का आटा। अभी हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है,
अगर ये आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर इलायची पाउडर है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए इलायची पाउडर डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट और पका लिया है और ये हमारा लड्डू का मिश्रण बनके रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी ये पैन गर्म है। तो 5-6 मिनट हमें इसको पका लेना फिर से, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम गरम में लड्डू नहीं बन पाएंगे, हाथ जल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर देते हैं, बीच बीच में फिर से मैंने चला दिया है। तो ये देखिए नॉर्मल ठंडा हो गया, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ कि हम हाथ में इसको ले सकते हैं। अभी ये मैंने बेसन चीनी लिया है, जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही हमने बेसन चीनी लिया है। ये बेसन चीनी बोलते हैं, इसको खांड भी बोलते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी रहती है चीनी से ज़्यादा, अगर आपके पास ये बेसन चीनी नहीं है तो आप चीनी को चीनी का पाउडर बना के इसमें डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ये खांड है तो मैं ये खांड ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चीनी बेसन चीनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। जैसे जैसे चीनी इसमें मिक्स होगी ये मेल्ट होते जाएगी और इसमें एकदम मॉइस्चराइज़र आ जाएगा मिश्रण में। तो आपको मैं मिक्स करके दिखाती हूँ, पास से दिखाऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप इसको फास्ट में खा सकते हो, सच में आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। अगर ऐसे भी आपका मीठा खाने का मन करे तो बहुत ही ये अच्छे लगते हैं, झटपट तरीके से बन के रेडी हो जाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है और इसमें देखिए अच्छे से ये मॉइस्चराइज़र आ गया है इस मिश्रण में। तो अभी ये हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे क्योंकि साबूदाना का पाउडर है तो ये इकट्ठे नहीं हो सकता। तो इसका बाइंडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप दूध का डालेंगे। दूध पहले से गर्म होकर हमने ठंडा कर लिया था, तो कच्चा दूध हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो उसकी महक आएगी। दूध को गर्म करके हमें इसमें डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दूध डालने से क्या है कि फ्रेंड्स आप लड्डू को अच्छे से बना पाएंगे। अगर दूध नहीं डालेंगे तो आपके बिखरे बिखरे टेस्ट इतने लड्डू नहीं बन पाएंगे क्योंकि बाइंडिंग नहीं आएगी उसमें, और दूध डालने से अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, तो मैं इसमें 1/2 कप पूरा दूध का डाल देती हूँ। दूध 1/2 कप हमें डालना है क्योंकि ये जैसे ही हम दूध डालेंगे साबूदाना पूरा सोख लेगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं है 1/2 कप, 1/2 कप हमें इसमें लेना है। अगर आप घी की 2 चम्मच कर सकते हो, अगर आप घी कम खाना पसंद करते हो तो इसमें घी कम भी कर सकते हो क्योंकि हम लास्ट में दूध लिया है, तो इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए 1/2 कप हमने पूरा इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आपको ये मिश्रण गीला लग रहा है, लेकिन जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये साबूदाना का पाउडर पूरा दूध को सोख लेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी नई नई और सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूं। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको दूध को मिक्स कर दिया है और ये देखिए साबूदाना का पाउडर पूरा दूध को सोख लिया है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें इतना दूध डाल दिया, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अभी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से लड्डू बन जाएंगे। अगर आप दूध नहीं डालोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन दूध डालने से ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, लेकिन 8-9 दिन फ्रिज में रख के आप ज़रूर ट्राई इंजॉय कर सकते हो। लेकिन दूध डालने से फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़े ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है और लड्डू हमारे साबूदाने के बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर आप दूध नहीं डालोगे तो यकीन मानिए आप लड्डू बनाते साबूदाने के परेशान हो जाओगे। और ये देखिए हमने सभी लड्डू को बना लिया है, पास से दिखाती हूँ, बहुत ही मस्त लड्डू हमारे बनके रेडी हुए हैं। तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस प्लेट में हम खाने के लिए निकाल लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कोई भी मेहमान आए या कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल में आप इन लड्डू को बना के रेडी कर सकते हो। कोई कह ही नहीं सकता खाने के बाद कि हमने साबूदाने के लड्डू बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बने हैं। अभी हम इसको गार्निश करने के लिए मैं ये चांदी पेपर ले रही हूँ जो मिठाइयों पर लगाया जाता है, सिल्वर पेपर।
ये देखिए सिल्वर वर्क है जो इसको मिठाइयों में लगाया जाता है, काजू कतली में, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और ये देखिए पास से दिखाती, बहुत ही दानेदार बहुत ही मज़ेदार लड्डू हमारे बन के रेडी हुए हैं। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से एकदम दानेदार है ये, खाने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी लड्डू बने हैं। तो एक बार आप ज़रूर बना के फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए लड्डू की रेसिपी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।